कानून व्यवस्था का ऐसा भद्दा मजाक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बिहार के अपराधियों की हिम्मत इन दिनों इतनी बढ़ गई है कि क्या प्रशासन क्या सरकार, सभी मूक दर्शक बने बैठे हैं और अपराधी लगातार तांडव कर रहे हैं। ये अजीब संयोग ही है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अणे मार्ग में कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक कर रहे थे तो दूसरी तरफ दरभंगा में दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हो रही थी। जी, कोई रात के 10-11 बजे नहीं बल्कि सुबह 10:30 बजे, वो भी दरभंगा के मुख्य बड़े बाजार में 6 हथियारबंद अपराधी स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से करोड़ों का सोना लूट गए और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। अव्वल तो ये कि लूट भी माननीय विधायक संजय सरावगी के घर से करीब 200 मीटर और नगर थाना से महज 5 मिनट की दूरी पर हुई। बगल की घटना है, 150 मीटर पर है, जो दिल्ली के होलसेलर है और उनके रिटेल स्टोर डब्ल्यू सेट करके दुकान में 10:30 बजे की घटना है। उसके अपराधियों ने घुस कर उसका कपड़ा जो है दुकान में रखा हुआ लूटा है और फायरिंग कर दिया। कम से कम 20-25 राउंड फायरिंग कर दी है, मोटरसाइकिल बैठ के भाग गया। ये 10:30 बजे की बात तो है, प्रशासन से अपराधियों को भय अब कम रहा है। प्रशासन को जरूर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराधियों में भय व्याप्त। विधायक जी भी मानते हैं कि अपराधियों में प्रशासन का भय अब खत्म हो चुका है, तभी तो अपराधी बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े करोड़ों की लूट को अंजाम देकर सड़क पर कट्टा लहराते, कई राउंड फायरिंग करते फरार हो गए और प्रशासन इस पूरी घटना के दौरान नदारद रहा। बंदूक दिखा के सारा माल झोला में डाल के लूट के चले गए। लगभग कितने की लूट होगी? अभी तो काउंटिंग नहीं है लेकिन 5 करोड़ के आसपास की। किस उम्र के लोग थे? 22 से 27 वर्ष के बीच। क्या एक चीज बताइए कि कितने देर रहेंगे या कितने बजे आए? 15 मिनट के आसपास। कितने बजे आए? 10:35 के आसपास। आप ये बताइए नकाब में थे, पहचान सकते? सब मास्क लगा रखे थे। अब ये बताइए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस आई थी, कौन कौन लोग आए थे और क्या क्या आपको आश्वासन दिए हैं? एसपी साहब आए थे, आईजी साहब खुद थे, उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर हम सारा ट्रेस आउट करके आपको माल वापस ला के देंगे। अब ये बताइए दिन दहाड़े इस तरह की घटना से क्या साफ? अब भय हो गया, डर है व्यापारियों में, यहाँ व्यापारियों में भय हो गया। जो इलाका आपका वो जबकि ये पूरे भीतर बाजार में है, यहाँ एनी टाइम जाम लगता है, उसके बाद भी 200 मीटर तक वो फायरिंग करते हुए जाके बाइक पर भागे, ये एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कितने राउंड फायर हुआ? कोई घायल? 25 राउंड से ऊपर घायल कोई नहीं हुआ, हल्का सा गोली मेरे भाई को छूके गई। हालांकि लूट की पूरी वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। एसएसपी बाबूराम और आईजी अजिताभ कुमार सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटे हैं। एसएसपी ने जल्द सभी अपराधी की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। ये यहाँ पर बाजार में ज्वेलरी की दुकान है, 2 घंटे पहले के लगभग 5 अपराधी दुकान में घुस कर रहा हो, कुछ कैश लोगों ने ज्वेलरी लूट कर ले गए हैं, इसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सीसीटीवी में फोटो आ गया है और उम्मीद है बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी और जो लूटा गया सामान है उसकी बरामदगी होगी। सर कितने लोग थे और कितने राउंड फायर की गई है? सीसीटीवी में 5 लोग स्पष्ट रूप से नजर आए और इसके अलावा फायरिंग कई राउंड फायरिंग की है जो लोगों ने बताया है, उसके लिए फैसिलिटी भी आ रही है। सर कितने की लूट हुई और क्या क्या ले गया है? टेल में जो पक्ष है वो टेल बना रहे हैं और उसके बाद वो बताएंगे हम लोगों को क्या राशि गई है, कितने राशि का जो है। मुमकिन है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, लूटे गए सभी गहने पीड़ित व्यापारी को वापस भी मिल जाए, लेकिन बेखौफ हो चुके अपराधी दोबारा ऐसी घटना को अंजाम नहीं देंगे इसकी गारंटी कौन लेगा? प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति को संभालने की गारंटी कौन लेगा? दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।